हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर फ्रॉम क्लास 8 इंग्लिश फॉर लाइफ कोर्स बुक एंड दिस इज चैप्टर नंबर 14 सोनम वांगचुक। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट अ लद्दाखी इंजीनियर्स पाथ ब्रेकिंग आइडियाज टू सॉल्व इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन हिज रीजन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं एक लद्दाखी इंजीनियर के बारे में, उनके जो आइडियाज़ हैं, अग्रणी जो आइडियाज़ हैं उनके प्रॉब्लम, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के उनके एरिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ कोल्ड रीजन विटनेसेस स्नो इन विंटर बट फेसेस वाटर स्कार्सिटी इन समर। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि ठंडे जो इलाके होते हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरती है सर्दियों में, लेकिन जो गर्मी है वहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाती है। How would you solve this problem and conserve snow in the sun? तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे और बर्फ़ को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे सन से, यानी कि जब गर्मियों का मौसम हो जाएगा तो बर्फ तो मेल्ट हो जाती है। सोनम वांगचुक एन इंजीनियर इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट डेवलप्ड आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और आइस तूफान टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड क्लाइमेट चेंज इन लद्दाख। तो जो सोनम वांगचुक एक इंजीनियर जो हैं वो इनोवेटर हैं, इन्वेंटर हैं, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट शिक्षा सुधारक हैं। उन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी कि कृत्रिम हिमनद और आइस तूफान को उन्होंने डेवलप किया। आइस तूफान का मतलब है बच्चों ओरिजिनली या डोम शेप्ड बुद्धिस्ट श्राइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, पानी की समस्या को उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, पानी की जो किल्लत थी वहाँ पर उनके एरिया में और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था लद्दाख में, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया। रीड ऑन टू नो हिज स्टोरी। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ने के लिए उनकी स्टोरी पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर में सोनम वांगचुक जी हैं। तो अभी चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। एवरी ईयर सिंस 1976, प्रत्येक वर्ष 1976 से Rolex has honored extraordinary individuals who possess the courage and conviction to take on major challenges. जो Rolex है, Rolex आपने सुना भी होगा बच्चों, a Swiss luxury watchmaker company है। वो honor करती है, सम्मानित करती है extraordinary individuals को, जो बहुत ही एकदम अलग से कुछ invention करते हैं, जो कि who possesses, जो कि उनको receive हुआ है the courage एंड कन्विक्शन, जो अपनी हिम्मत से, कन्विक्शन में से फर्म बिलीफ और अपने विश्वास से टू टेक ऑन मेजर चैलेंजेस, जो एक चुनौती भरा कोई काम करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, उनको ये Rolex जो है ऑनर करते हैं। द Rolex अवार्ड फॉर एंटरप्राइज इज एन इंटरनेशनल फिलान्थ्रॉफिक प्रोग्राम। फिलान्थ्रॉफिक होता है बच्चों शोइंग कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी बाई परफॉर्मिंग एक्शंस दैट प्रमोट वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य फिलान्थ्रॉफिक कहलाता है। जो Rolex अवार्ड फॉर एंटरप्राइज है वो एक अंतर्राष्ट्रीय फिलान्थ्रॉफिक प्रोग्राम है दैट सपोर्ट्स, जो कि सपोर्ट करता है न्यू एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, नए नए और या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बाय इंडिविजुअल्स, जो कोई इंडिविजुअल कोई नए प्रोजेक्ट चलाता है, हु हैव टच्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता के लिए सभी क्षेत्रों को उनके टच किया हो, यानी कि By expanding knowledge, अपने ज्ञान से मानवता की भलाई के लिए कुछ कार्य किया गया हो और improving life on the planet, या फिर ग्रह पे यानी पृथ्वी पर कुछ उन्होंने improve life को improve करने के लिए कुछ invention की हो। Meet Sonam Wangchuk, the winner of 2016 Rolex Award Laureate. तो आइए सोनम वांगचुक जी से मिलिए, जो कि 2016 के Rolex अवार्ड के विजेता हैं। सोनम वांगचुक कम्स अक्रॉस एज अ वेरी एफेबल, एफेबल होता है बच्चों फ्रेंडली, दोस्ताना। सोनम वांगचुक जो हैं वो काफ़ी दोस्ताना उनका व्यवहार है, हम्बल ह्यूमन बीइंग है वो, काफ़ी बहुत ही भले इंसान हैं। हिज लिथे फ्रेमवर्क फ्रेम बिट्रेज, लिथे मीन्स होता है बच्चों ग्रेसफुल, एलिगेंट, सुंदर, और जो उनका लिथे फ्रेम बिट्रेज, बिट्रेज होता है धोखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हिज लिथे फ्रेम बिट्रेज द ईयर्स दैट ही हैज पुट इनटू द एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट इन लद्दाख। जो उन्होंने शैक्षिक और कल्चरल
मूवमेंट लद्दाख में चलाई थी, जो इतने वर्ष उन्होंने मेहनत किया था, द रिमोट लैंड ऑफ हाई पासेस, और जो पहाड़ों में और इतने हाई पासेस में रिमोट लैंड है. द मूवमेंट हैज़ इंस्टिगेटेड एन ऑल्टरनेट. इंस्टिगेटेड है बच्चों स्टार्टेड, शुरुआत करना. तो ये मूवमेंट है, ये स्टार्ट की गई एक विकल्प के रूप में, प्रैग्मेटिक अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा की तरफ. प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक होता है बच्चों रियलिस्टिक, एकदम असली. तो ये एकदम असली अप्रोच थी उनकी, एकदम जेन्युइन थी, रियलिस्टिक थी शिक्षा के प्रति. कॉन्करेंटली इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द इन्वेंशन ऑफ आइस स्तूपास. कॉन्करेंटली होता है बच्चों एट द सेम टाइम, और उसी समय उसी टाइम, और इन्होंने एक इन्वेंशन भी लेड की जो आइस स्तूपास के रूप में, टॉल टावर्स और लिटिल माउंटेन्स ऑफ आइस, पहाड़, जो बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ या फिर टॉल टावर्स आप कह सकते हैं, विच कैन पोटेंशियली हेल्प रिजॉल्व द वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम इन द कोल्ड डेजर्ट रीजन. जो संभवतः हो सकता है वो हेल्प करते हैं, रिजॉल्व करते पानी की प्रॉब्लम जो कोल्ड डेजर्ट में है. कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर लद्दाख को कहा गया है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. सोनम वांगचुक वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ टाइनी विलेज ऑफ 5 हाउस होल्ड्स अबाउट 70 किलोमीटर फ्रॉम लेह. करीब करीब 70 किलोमीटर दूर लेह से ये एक बहुत छोटा सा इनका गांव था, जिसमें सिर्फ 5 ही घर थे, उसमें ये इनका जन्म हुआ और वहीं पर ये पले बड़े. ही स्पेंट द फर्स्ट 9 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ लर्निंग इन वॉट ही कॉल्स अ होलिस्टिक हारमोनियस वे. होलिस्टिक होते हैं बच्चों बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरीथिंग इन नेचर इज कनेक्टेड इन सम वे. एक सौहार्द का, एक दूसरे से कनेक्टेड, कि नेचर में हम एक दूसरे के लिए ही कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे के काम आते हैं. और उन्होंने अपने शुरू शुरू के जो 9 साल थे अपनी लाइफ के, वो यही सीखने में लगाए, होलिस्टिक हारमोनियस वे, सौहार्द. देयर वरंट एनी स्कूल्स इन माई विलेज. अब वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर मेरे गाँव में कोई भी स्कूल नहीं था, सो आई लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम माई मदर. तो इसलिए मैंने अपने माँ से ही पढ़ना और लिखना सीखा. आई प्लेड इन द फील्ड्स, मैं खेतों में खेलता था, सोइंग सीड्स, बीजों को बोता था, वर्किंग विद एनिमल्स और पशुओं के साथ काम करता था, जम्पिंग इन द रिवर, नदियों में कूदते थे, क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ते थे, उन्होंने कहा. ही सेज माई अर्ली स्किल्स वर सो डेवलप्ड बाई दीज एक्सपीरियंसेस. और ये बचपन के अनुभव जो हैं, इनसे मेरी लाइफ में इतने अच्छे स्किल्स डेवलप हुए. वट दैट व्हेन आई जॉइंड, फाइनली जॉइंड स्कूल एट 9, जब मैं 9 साल का हुआ और मुझे स्कूल में दाखिला मिला, आई गॉट प्रोमोटेड ट्वाइस इन अ ईयर. तो मुझे वर्ष में 2 बार प्रमोट किया जाने लगा. While pursuing his mechanical engineering, जब mechanical engineering ये कर रहे थे, he began teaching children. तो इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. This also helped him earn some money. और इनसे इन्होंने कुछ पैसा भी कमाया. That is when I realized how deplorable the state of education was in the region. बच्चों deplorable होता है very bad. तो तब इन्होंने कहा कि तब मुझे एहसास हुआ कि जो स्टेट में एजुकेशन का जो स्तर है वो कितना ख़राब है इस रीजन में. द 50-year-old इंजीनियर सेज, 50 साल के इंजीनियर ने ये बात अपने इंटरव्यू में कही. अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन 1996, ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स हैड फेल्ड देयर बोर्ड एग्जाम्स. एक सर्वे के अनुसार जो कि कंडक्ट कराए गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स यानी कि HIAL के द्वारा 1996 में, तो लगभग 95% जो विद्यार्थी थे वो फेल हो जाते थे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ये उनका आंकड़ा था. वांगचुक ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, अब वांगचुक ने अगले 2 डिकेड्स में इंट्रोड्यूस्ड, दशकों में इंट्रोड्यूस्ड ऑल्टरनेटिव लर्निंग प्रैक्टिसेस. तो उन्होंने वैकल्पिक शिक्षा पर ध्यान दिया, वो प्रैक्टिसेस करवाई एंड इनोवेटिव मेजर्स. इनोवेटिव होता है बच्चों न्यू एंड ओरिजिनल मेजर्स दैट रिड्यूस दिस नंबर टू 25%. तो उन्होंने न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज से जो ये आंकड़ा था 95%, इसको 25% बना दिया, यानी कि बहुत सारे बच्चे हर वर्ष पास होने लगे. बट देन ही वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ द वंस हु स्टिल फेल्ड.
गिव देम अ न्यू चांस, रिलॉन्च देम, सोनम वांगचुक सेज। तो सोनम वांगचुक क्या कहते हैं कि फिर वो चाहते थे, ये आंकड़ा कम तो हुआ लेकिन वो उन लोगों की भी देखभाल करना चाहते थे, उन लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते थे जो अभी भी फेल हो जाते हैं, उनको एक नया चांस देना चाहते थे, उनको रिलॉन्च करना चाहते थे। रिलॉन्च मीन्स उनको दोबारा उसी क्षेत्र में उतारना चाहते थे। इट वॉज दिस दैट प्रॉम्प्टेड द रिफॉर्मिस्ट एंड अ ग्रुप ऑफ लद्दाखीज़ टू स्टार्ट द स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, अ फुली सस्टेनेबल स्कूल लोकेटेड इन अ विलेज कॉल्ड फे, 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ लेह। तो ये इससे उनको प्रेरणा मिली, प्रेरित हुए कि ये मैंने आंकड़ा जो उन्होंने कम किया और जो फेलियर्स थे उनको भी आगे बढ़ाया कि आप कुछ ना कुछ, उन्होंने फिर रिफॉर्म्स करते थे। तो उन्होंने एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ लद्दाखीज, एक लद्दाखियों का एक ग्रुप ने एक स्टार्ट किया स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसको सेकमोल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फुली सस्टेनेबल स्कूल है जो कि फे नाम के गाँव में लोकेट है, और वो गाँव जो है वो ले सिटी से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। होम टू अबाउट 100 स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड देयर 10th ग्रेड एग्जाम्स, दिस स्कूल हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ टेकिंग फेलियर्स फ्रॉम द सिस्टम। अब बच्चों, वहाँ पर सोनम वांगचुक जी ने एक फे नाम के गाँव में एक ऐसा स्कूल बनाया, वो एक घर था ऐसे 100 स्टूडेंट्स के लिए जो कि 10वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं। दिस स्कूल हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ टेकिंग फेलियर्स, और स्कूल की विशेषता क्या थी कि वो फेलियर्स को लेते थे सिस्टम से, एंड मेकिंग लिविंग देयर अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, और वहाँ पर उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस को सिखाते थे। वांगचुक सेज दैट द स्टूडेंट्स रन द स्कूल देमसेल्फ्स। वांगचुक कहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो स्वयं ही स्कूल चलाते हैं, लाइक अ लिटिल कंट्री विद इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो एक स्कूल को ऐसे चलाते हैं जैसे कोई एक छोटा सा देश अपनी ही इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है उस देश को। दे लर्न बाय डूइंग, दे फार्म। वो क्या क्या सीखते हैं वहाँ पर? वो खेती सीखते हैं, एनिमल्स, कीप एनिमल्स, एनिमल्स रखते हैं, मेक फूड प्रोडक्ट्स, वहाँ फूड प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, एंड एंगेज इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और हमारी यथार्थ जो जीवन की समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने में वो एंगेज रहते हैं। दैट दे फेस इन दीज हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो कि लद्दाख जैसी जगह है जहाँ पर इतनी बर्फ़ है, इतनी ठंड है, -डिग्री में टेम्परेचर जाता है, इतनी हार्श जगह पर भी जो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व जो फेस करते हैं उनको सॉल्व करने में ये स्टूडेंट्स लगे रहते हैं। इट इज़ वाइल ट्राइंग टू सॉल्व वन सच रियल प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर स्कैरसिटी इन द रीजन। और ये तब है जब उन्होंने फिर कोशिश की कि जो ये असली उनकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है लाइफ की, जो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है इस क्षेत्र में। दैट वांगचुक केम अप विद आइडिया ऑफ आइस थूपास, फिर वांगचुक जी को आइडिया आया कि आइस थूपास बनाने का। देयर हैव बीन अदर्स बिफोर हु हैड वर्कड इन दिस फील्ड, और भी थे जिन्होंने इस फील्ड में पहले काम कर चुके थे। अ वेरी सीनियर इंजीनियर हैड कम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल हॉरिजेंटल आइस फील्ड्स। पहले एक बहुत ही सीनियर एक इंजीनियर आए थे जिनका आइडिया था कि हम एक कृत्रिम हॉरिजेंटल आइस फील्ड्स बनाएं, बट इट हैड प्रॉब्लम्स, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, समस्याएँ आई, सच एज प्री मैच्योर मेल्टिंग, जैसे कि समय से पहले ही वो मेल्ट हो जाते थे बर्फ, उन्होंने कहा। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स, इन्हीं समस्याओं का निजात पाने के लिए वांगचुक बिल्ट वर्टिकल आइस टावर्स इंस्टेड। तो वांगचुक जी ने क्या किया, उन्होंने हॉरिजेंटल ना बना के वर्टिकल आइस टावर्स बनाए, एंड ऑल थ्रू अ सिंपल मेथड, और ये सभी एक बहुत ही साधारण मेथड से बनाए। आइस थूपास आर बिल्ट ड्यूरिंग विंटर, जो आइस थूपास थे वो इसमें सर्दी के मौसम में बनाए जाते थे, सो दैट द वाटर फ्रॉम देम व्हेन दे स्टार्ट मेल्टिंग कैन बी यूज्ड इन लेट स्प्रिंग, ताकि जो वो पहले तो वो बर्फ वहाँ पर आइस टावर आइस थूपास बनाते थे सर्दियों में, और गर्मियों में जब लेट स्प्रिंग जब शुरू हो जाती है तो वो स्टार्ट हो जाती है मेल्ट होना, ताकि वो पानी बाद में हम यूज़ कर सकें। वी टेक अ पाइप अप स्लोप, हम ऊपर की ओर
पाइप ले जाते हैं, पुट इट इन द स्ट्रीम और द लेक, फिर किसी झील में या किसी नदी में उस पाइप को डाल देते हैं। बरी इट 6 feet अंडर द ग्राउंड, और लगभग 6 feet नीचे तक ग्राउंड में इसको दबा देते हैं। एंड द पाइप टेक्स वाटर डाउन स्लोप टू द विलेज, और जो पाइप है वो डाउन स्लोप नीचे की तरफ गांव की तरफ पानी ले जाता है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रेशर बिल्ड्स अप इन द पाइप, जो प्रेशर है वो पाइप में बन जाता है। एंड वाटर कम्स आउट गशिंग अपवर्ड, तो जो पानी है उसका जो प्रेशर है पाइप में वो एकदम बौछार के रूप में ऊपर की तरफ आता है। ही एक्सप्लेन्स, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया। दिस स्प्रिंकलिंग वाटर, ये जो छिड़काव हुआ पानी है जो स्प्रिंकलर के रूप में आता है, इन माइनस डिग्री सेल्सियस, जो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में फॉल्स डाउन, नीचे गिर जाता है। एंड फ्रीजेस, और जम जाता है। ओवर वीक्स इट बिकम्स अ ह्यूज माउंटेन ऑफ आइस, तो कुछ ही हफ्तों में ये एक बहुत बड़ा आइस का, बर्फ का एक पहाड़ बन जाता है। द आइडिया इज़ टू, और आइडिया क्या है इसके पीछे, टू फ्रीज द वाटर इन द विंटर, कि सर्दियों में तो इस बर्फ़ को हम जमा सकते हैं। एंड यूज़ इट इन लेट स्प्रिंग, और इसी पानी को हम, इसी बर्फ़ को जो बाद में पानी हो जाएगी मेल्ट होके, उसको हम बाद में स्प्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। द कॉनिकल टावर शेप एनश्योर्स दैट द सर्फेस एक्सपोज टू द सन इज मिनिमल, और जो कॉनिकल शेप बन जाती है जैसे पहाड़ नुमा शेप, तो उससे इंश्योर हो जाता है कि जो सन है वो उसके ऊपर बहुत कम उसकी एक्सपोजर हो। सो प्री मेच्योर मेल्टिंग इज़ अवॉइडेड, जिससे कि प्री मेच्योर मेल्टिंग, उसकी पिघलने की, वो अवॉइड की जा सके। इट इज़ फॉर दिस सिंपल येट जीनियस इन्वेंशन दैट वांग चुक वॉज बेस्टोर्ड विद द रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, और ये बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस इन्वेंशन है वांगचुक की, जिनकी वजह से उनको बेस्टोर्ड होता है बच्चों, अवार्डेड, जिसकी वजह से उनको अवार्डेड किया गया विद द रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस। ही नाउ प्लान्स टू यूज़ द प्राइज मनी एज द सीड फंड फॉर हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो इस प्राइज मनी को जो उनको रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज से मिला है, उसको सीड फंड होता है बच्चों द मनी इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ अ बिजनेस स्टार्टअप, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फंड लगाया जाए, पैसा लगाया जाए, सीड फंड कहा जाता है। फॉर इज ड्रीम प्रोजेक्ट, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए, द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, द इंस्टीट्यूट एम्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, जो इंस्टीट्यूट है उनका एम है सस्टेनेबल इकोसिस्टम क्रिएट करना। सस्टेनेबल होता है बच्चों कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड वेल विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए मेंटेन कर सकें, ठीक है, सस्टेनेबल उसको इकोसिस्टम है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया एंड द वे दे अफेक्ट ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम of constant innovations, उनकी जो लगातार inventions हैं, wherein the youth from different Himalayan countries will come together to research the issues faced by the mountain people in the field of education, जहाँ की youth जो है, युवा वर्ग जो है, different Himalayan countries से यहाँ पर एक साथ आते हैं, research करते हैं, ऐसी जो mountain में रहने वाले लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, इन सभी फील्ड्स में अगर कोई उनकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो आ गया है, और उन्होंने ये हिमालय इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स विल ऑल्सो फॉर्मुलेट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तैयार करते हैं वेज टू सॉल्व दोज इश्यूज थ्रू आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़, और जो आउट ऑफ बॉक्स होता है बच्चों अलग सोच, एक सोच तो होती है सभी की एक जैसी सोच, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स मतलब कुछ नया आइडिया अलग से, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अलग से कुछ तैयार करते हैं, बहुत ही यूनिक आइडियाज़ होते हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और अपने जो ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में वो करते हैं। द वर्ल्ड नीड्स रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, जो संसार है उसको रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, डूअर यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, डूअर होता है करने वाली, करता,
प्राप्तकर्ता यूनिवर्सिटीज चाहिए। वी आर गोइंग टू सेट अप वन मॉडल ऑफ इट इन लद्दाख, और ऐसा ही हम मॉडल एक लद्दाख में भी सेटअप करने वाले हैं। एंड इफ इट इज़ सक्सेसफुल, और अगर ये सफल हो जाता है, वी होप इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट, और हम मानते हैं कि इसका फिर असर होगा फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क। इसका असर जो है नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक इसका असर होगा। वांगचुक एंथुसियास्टिकली साइंस ऑफ, फिर वांगचुक ने उत्साहपूर्वक यहीं पर अपनी बात को समाप्त किया। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर सोनम वांगचुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।